आपको नेपियर एनालॉजी देखनी है, ठीक है। नेपियर एनालॉजी क्या बोलती है? इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी, ये एक दो बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। तो इन ट्रायंगल एबीसी टैन बी माइनस सी डिवाइडेड बाय टू इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इक्वल इन टू कॉट ए बाय टू, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके भी प्रूव करो, नहीं तो फिर राइट हैंड साइड ले लो, सबसे इजी पड़ेगा राइट हैंड साइड लेके, ठीक है। तो इधर ध्यान दो, तो ये मैं लेता हूँ राइट हैंड साइड, आर एच यस इक्वल टू क्या है अपने पास, बी माइनस सी है और बी प्लस सी है इन टू कॉट ए बाय टू है, बराबर है। तो अपने को कम से कम जैसे ट्रायंगल आया, जैसे ट्रायंगल आया तो आपको रिजल्ट आना चाहिए। पहला रूल आता है ध्यान में, साइन रूल आता है, दूसरा कोसाइन रूल आता है, तीसरा प्रोजेक्शन रूल आता है, और अभी के इसके पहले के जो रिजल्ट देखे हैं, हाफ एंगल ऑफ साइन रूल, हाफ एंगल ऑफ कोसाइन रूल और हाफ एंगल ऑफ टैन रूल, ये सब चीज़ें ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है। ये सब किसके लिए यूटिलाइजेशन होती है? ट्रायंगल एबीसी के लिए। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, बी एंड सी, और ये बी एंड सी है, ये क्या है, साइड ऑफ द ट्रायंगल है। तो सबसे पहले अपन साइन रूल यूज़ करेंगे। तो साइन रूल क्या होता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे बाय यूजिंग साइन रूल, बाय यूजिंग साइन रूल। साइन रूल क्या था, ए अपॉन साइन ए, ठीक है, इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी है, और इसकी वैल्यू क्या आती है, के आती है। अब के इसमें ट्वाइस आ रहे हैं तो ट्वाइस आर लेंगे, ठीक है, के लेके भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, और ट्वाइस आर लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं पहला रेशो लेता हूँ, पहला रेशो और लास्ट रिजल्ट लेता हूँ, तो इसमें क्या आएंगे, ए की वैल्यू है क्या अपने पास, नहीं है, तो ए की वैल्यू को हाथ ही नहीं लगाएंगे। मैं क्या करता हूँ, सेकंड और लास्ट वाला कंसीडर करता हूँ, इससे अपने को बी की वैल्यू मिली है, क्योंकि बी आया है तो बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या आया, सी आया है, तो सी ए और इस से क्या मिलने वाला है, सी मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो सेकंड से और लास्ट से बी की वैल्यू क्या मिलेंगी, बी विच इज़ इक्वल टू साइन बी को इस साइड में लेके जाएंगे, ट्वाइस आर इंटू साइन बी रहेगा, ठीक है। वैसे सी की वैल्यू क्या मिलेंगे, इसको और इसको कंसिडर करो, तो सी विच इज़ इक्वल टू क्या रहेगा, ट्वाइस आर इंटू साइन सी, ये स्मॉल सी है, ट्वाइस आर इंटू साइन सी रहेगा, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट अपने को आ गए, बी की वैल्यू आ गई, सी की भी वैल्यू आ गई, बी और सी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो देयर फोर राइट हैंड साइड इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, ट्वाइस आर साइन बी है, ठीक है, माइनस सी की वैल्यू क्या है, ट्वाइस आर साइन सी है, अपॉन में बी की वैल्यू लिखो ट्वाइस आर साइन बी, और यहाँ पे ट्वाइस आर साइन सी, ठीक है। दोनों में से कॉमन निकलेगा ट्वाइस आर, इससे भी ट्वाइस आर कॉमन निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मैं ट्वाइस आर कॉमन निकलता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन बी माइनस साइन सी, बराबर है। डिनोमीटर में भी ट्वाइस आर क्या कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन बी प्लस साइन सी इन टू कॉट ऑफ कॉट कुछ तो भी था ना, कॉट ए बाय टू, कॉट ए बाय टू यहाँ पे भी इन टू कॉट ए बाय टू, समझे। अभी देखो ट्वाइस आर कैंसिल हो गया, अभी कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा, साइन बी माइनस साइन सी दिख रहा, और यहाँ पे साइन ए प्लस साइन सी, सॉरी साइन बी प्लस साइन सी दिख रहा, ठीक है। तो साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। दोनों साइन के फार्मूले हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन है, तो मैंने सेकंड टर्म बताई थी, सेकंड टर्म कौन सी आती है, कॉस और साइन की आती है। तो देखो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू, ठीक है, इम्प्लाइज करके लिखता हूँ अभी मैं, ठीक है, इक्वल टू करके लिखेंगे, दिस इक्वल टू क्या रहेगा, इक्वल टू करके क्या फार्मूला आएगा, टू साइन नहीं कॉस रहेगा, सब्ट्रैक्शन है तो कॉस आता है, कॉस b प्लस सी डिवाइडिंग बाय टू, ठीक है, और दूसरा क्या आता है, इंटू साइन बी माइनस सी डिवाइडिंग बाय टू, और ये कॉट a बाय टू एज इट इज रहेगा, ठीक है। डिनोमीटर के तरफ जाओ, डिनोमीटर में साइन c प्लस साइन b प्लस साइन c है, तो अपने को यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। दोनों का एडिशन है तो पहली टर्म मिलती थी साइन और कॉस वाली, तो साइन बी प्लस सी डिवाइडिंग बाय टू और कॉस बी माइनस सी डिवाइडिंग बाय टू रहेगा।
ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, ये टू और टू कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, देखो बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, दोनों सेम है ठीक है। यहाँ पे भी बी माइनस सी डिवाइडेड बाई टू, बी माइनस सी डिवाइडेड बाई टू, ये इन दोनों के एंगल सेम है और इन दोनों के एंगल सेम है ठीक है। तो अपन डिवाइड कर सकते हैं, कॉस डिवाइडेड बाय साइन क्या होता है, कॉट बी प्लस सी डिवाइडिंग बाय टू है, बराबर है क्या, कॉट होगा। और साइन डिवाइडेड बाय कॉस क्या होगा, इन टू यहाँ पे लिखेंगे टैन बी प्लस सी डिवाइडिंग बाय टू रहेगा और इन टू कॉट ए बाय टू एज इट इज रहेगा ठीक है। उसके बाद टू क्या करना है उसके तरफ ध्यान दो, टैन बी माइनस सी डिवाइडेड बाय टू, टैन बी माइनस सी डिवाइडेड बाय टू, बी माइनस सी है ये ठीक है, यही अपने को लाना है। तो ये और ये टर्म कैंसिल होनी चाहिए। अभी कैंसिल करने के लिए अपने पास जैसे एडिशन ऑफ टू एंगल है तो अपने पास एडिशन ऑफ थ्री एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या रहता है, तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या रहता है, पाई रहता है ठीक है, 180 आता है। तो अपने को क्या चाहिए, बी प्लस सी चाहिए, तो देयरफोर बी प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस ए होगा ठीक है। तो बी प्लस सी की वैल्यू पाई माइनस ए यहाँ पे पुट करना है। तो ये रिजल्ट ध्यान में रखना है, कभी भी दो एंगल का सम रहेगा गिवन रहेगा, तो यहाँ पे दो एंगल का सम है तो तीसरा एंगल उधर लेके जाओ और ये रिजल्ट यहाँ पे यूटिलाइजेशन करो। तो यहाँ पे क्वाट बी प्लस सी इक्वल टू क्या रहेगा, पाई माइनस ए, पाई माइनस ए यहाँ पे पुट किया ठीक है। डिवाइडेशन बाय टू है तो इसको भी डिवाइडिंग बाय टू किया, इसको भी डिवाइडिंग बाय टू किया ठीक है। इन टू में क्या है अपने पास, टैन बी माइनस सी डिवाइडिंग बाय टू है इन टू कॉट ए बाय टू है ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अलाइड एंगल फार्मूले यूज़ करना है, ये पाई बाय टू माइनस थीटा है, कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा, पाई बाय टू आया तो कौन सा एक्सिस आता है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं ठीक है। कॉट का किस में चेंज होगा, टैन में चेंज होगा, टैन ठीक है, ए टैन ऑफ थीटा आता है, थीटा की वैल्यू क्या है, ए बाय टू है। उसके बाद पूरा एंगल कंसीडर करते हैं, एंगल से क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पाई बाय टू माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इन टू ये जो रहेगा टैन बी माइनस सी डिवाइडेड बाय टू इन टू कॉट ए बाय टू ठीक है। तो यहाँ पे टैन ए बाय टू और ये कॉट ए बाय टू ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हुआ क्या रहेगा, टैन बी माइनस सी डिवाइडिंग बाय टू। तो ये दोस्तों अपन ने नेपियर, उसके बाद अपने को हेरॉन फार्मूला देखना है ठीक है। हेरॉन्स फार्मूला, हेरॉन्स फार्मूला में क्या है, इफ ए बी सी आर द साइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी ठीक है, अपने को पता है ए बी सी आर द साइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, इनके एडिशन में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ट्वाइस यस है, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यस यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए ठीक है। इसके पहले भी अपन एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैलकुलेट किया था इसी चैप्टर में इनिशियल स्टेज पे ठीक है, और सेकंड भी अपने को इसमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैलकुलेट करना है ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ध्यान में रखना है अंडर रूट ऑफ यस यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए अपने पास ये रिजल्ट था, इनिशियल स्टेज में ट्रिग्नोमेट्री में अपने को प्रूव किया था, वी नो डैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या था, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट था, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट ठीक है, इसी को लेकर अपन ने प्रूव किया था। तो मैंने हाफ लिख दिया ठीक है, यहाँ पे ए बी और साइन सी ऐसा रिजल्ट था, ए इंटू बी इंटू साइन सी का रिजल्ट था बराबर है। तो यही रिजल्ट अपन ने प्रूव किया था, यही रिजल्ट यूज करके ठीक है, शायद अपन ने साइन रूल में प्रूव किया था ठीक है। तो हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन सी, यही रिजल्ट यूज़ करके अपने को ये रिजल्ट प्रूव करना है ठीक है। तो अपने पास देखो साइन सी, साइन सी आज के लेक्चर में इनिशियल में मैंने साइन सी का फार्मूला बताया था ठीक है। तो साइन सी का फार्मूला क्या होता है, साइन सी इक्वल टू टू साइन सी बाय टू होता है और कॉस सी बाय टू होता है, ये फार्मूला अपने को यूटिलाइजेशन करना है। तो मैं साइन सी के जगह पे वो फार्मूला लिख लेता हूँ, तो ये लिख दिया हाफ लिख दिया, ए इंटू बी लिख दिया, साइन सी के जगह पे टू साइन
सी बाय टू इंटू कॉस सी बाय टू, ये फार्मूला लिखा है, ठीक है। तो इधर ध्यान दो, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म ए इंटू बी इंटू साइन सी बाय टू हाफ एंगल का साइन रूल, और ये भी हाफ एंगल का कोसाइन रूल है, लेकिन वहाँ पे ए के लिए प्रूव किया था, यहाँ पे किसके लिए है, सी के लिए है। तो सबसे पहले साइन रूल लिखेंगे, हाफ एंगल साइन रूल फॉर सी, क्या आएगा, यहाँ पे सी आया है तो इसमें सी नहीं आएगा, तो यस माइनस ए आएगा और यस माइनस बी आएगा, बराबर है। यस सी आया तो सी नहीं आएगा, यस माइनस ए आता है और यस माइनस बी आता है, ठीक है। डिनोमिनेटर यहाँ पे ए और बी आया तो मैं यहाँ पे ए भी लिख दिया, बराबर है, और इसका क्या रहता है, अंडर रूट रहता है। तो ये हो गया अपना साइन सी बाय टू का फार्मूला। वैसे ही कॉस सी बाय टू आप लोग लिख सकते हो, ये भी अंडर रूट में रहता है, यहाँ पे सी आया है तो यस यस माइनस सी आता है, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे ए बी आया है तो यहाँ पे भी ए बी आता है। तो ये दोनों फार्मूले हो गए किसके, साइन सी बाय टू का हो गया और ये किसका हो गया, कॉस सी बाय टू का हो गया। तो दिस इज इक्वल टू, ठीक है, ए बी लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसका अंडर रूट, न्यूमरेटर का अंडर रूट देखो यस माइनस ए और यस माइनस बी ले लिया, ठीक है। डिनोमिनेटर में अंडर रूट में देखो ए बी हो गया, ठीक है, इनटू में यहाँ पे भी यस इनटू यस माइनस सी हो गया और डिनोमिनेटर में अंडर रूट में ए बी हो गया, ठीक है। अंडर रूट ए बी और अंडर रूट ए बी का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या मिलेगा, ए बी मिलने वाला है, वो ए बी इस ए बी के साथ कैंसिल कर दो, ठीक है। तो अपने को क्या कैंसिल होता है, ए बी ए अंडर रूट का ए बी अंडर रूट का ए बी कैंसिल होता है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो अपने पास बचता है एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, ठीक है, क्या मिलता है, यस यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी मिलता है। तो यस लिख दिया, यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी लिख दिया, और ये भी किस में है, अंडर रूट में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए एमसीक्यू के लिए, क्योंकि एमसीक्यू पूछा जाता है इसके ऊपर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी। आपके पास सिर्फ साइड गिवन रहेंगी, ए गिवन रहेगा, बी गिवन रहेगा, सी गिवन रहेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ट्वाइस यस ये लिखना है, ये तीनों साइड का सम करना है। तो यहाँ से अपने को यस की वैल्यू निकालना है और यस की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना है, ए बी सी। तो आपको पता है सिंपल कैलकुलेशन है, तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए ये एक फार्मूला, और दूसरा फार्मूला ये ध्यान में रखना है, हाफ ऑफ ए इंटू बी इंटू साइन सी, ठीक है। तो ये कैपिटल एक एंगल गिवन रहेगा, ये सी क्या है, एंगल है, और दो साइड गिवन रहेंगी, ए और बी गिवन रहेंगी और एंगल गिवन रहेगा। तो यहाँ से भी आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले ये फार्मूले में क्या बताया था, तीनों साइड गिवन रहेंगी, लेकिन ये फार्मूले क्या रहेंगे, दो साइड गिवन रहेंगी और एक एंगल गिवन रहेगा। तो इससे भी आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं, और उससे भी आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं, दोनों में कंपेरिजन।